कभी कभी नागिनी माता सुनहरी मूरत में दर्शन देकर श्रद्धालुओं की इच्छा को पूर्ण करती है। बड़ी नागिनी माता का मंदिर भड़वार नामक गांव में स्थित है। ये स्थान पठानकोट से 13 किलोमीटर कांगड़ा रोड पर स्थित है। बस द्वारा बड़ी आसानी से 10 से 15 मिनट में यहां पहुंच सकते हैं। कांगड़ा घाटी रेल मार्ग द्वारा भी कंडवाल वैरियर हाल्ट पर उतरकर मात्र 2 फरलांग दूरी तय करके मंदिर पहुंच सकते हैं। स्थान की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि सांप के काटने वाले व्यक्ति 5 से 7 दिन यहाँ माता के चरणों में रहकर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व जब कांगड़ा घाटी रेल निकली तो नेपाल निवासी एक गोरखा बाबा रेल विभाग में मेट का काम किया करते थे। बाबा कंडवाल स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहते थे। उन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। उनके धार्मिक प्रभाव के कारण कंडवाल की बंजर भूमि उपजाऊ बन गई। लोग वहां खेती बाड़ी करने के लिए आने लगे। उन्होंने बाबा जी को यहां से जाने के लिए कहा। बाबा के न मानने पर उन्होंने बाबा की झोंपड़ी जला दी। फिर भी बाबा इस स्थान से कहीं ना जाने के लिए अड़े रहे। यह समाचार पाकर बरंडा निवासी जालम सिंह संबियाल लंबरदार अन्य लोगों के साथ बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने अपने गांव में निर्मित शिवालय में चलने की प्रार्थना की। बाबा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस स्थान से 2 पत्थर उठाकर बरंडा गांव आ गए। निकटवर्ती सुगुड़नाला वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। स्थान बाबे की कुटिया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जनश्रुति है कि एक दिन समाधि में बैठे बाबा जी की लंबी लंबी जटाओं में से नागिनी माता साक्षात निकलकर पास ही स्थापित पिंडी में समा गई। तब से कुटिया का नाम नागिनी माता का मंदिर पड़ गया। कहते हैं कि बाबा जी को अन्नपूर्णा माता की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी बनाते और उसे ढककर माता को भोग लगाते और बाहर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटते। अपार समूह में बांटने के बाद भी खिचड़ी कभी समाप्त नहीं होती थी। मंदिर की छतें बेहद कलात्मक ढंग से सुसज्जित की गई हैं। बार की बात है कि एक गोरखा व्यक्ति बाबा जी के पास आया और अपने साथ लाए छोटे से बालक को बाबा के चरणों में चढ़ा गया। बाबा जी ने बच्चे का पालन पोषण किया और बालक बाबा जी की सेवा में जुट गया। बालक की आयु जब 12 वर्ष की हुई तो बाबा जी ज्योति ज्योत समा गए। अब वह बालक भी उदास रहने लगा। वह साधु मंडली में शामिल हो गया और उसके साथ ही कहीं निकल गया और कभी लौट कर नहीं आया। जय माता दी। ये माता नागिनी जी का मंदिर जो है लगभग 95 वर्ष पुराना है
और यहाँ पर जो शिव पीठ है यहाँ पर किसी भी प्रकार की लोग मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। और सबसे विशेषता यह है कि माता आज भी 21वीं सदी में माता हर वर्ष अपने दर्शन देती है और भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं जो नाग चढ़े हुए जो मन्नत पूरी होने पर लोग चढ़ाते हैं। और काल सब योग का विशेषता है कि लोग यहाँ पे काल सब योग का भी पाठ कराते हैं और ऐसी श्रद्धा और ऐसी भावना के साथ माता सबकी मनोकामना यहाँ पे पूरी करती है। ये हमारे इस मंदिर की नारी माता के मंदिर की मुख्य विशेषता। जय माता। माँ नागिनी के मंदिर से लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर बसा माँ शीतला का चिताकर्षी मंदिर और इस मंदिर को जाने वाला रास्ता कुछ ऐसा ही एहसास कराता है जैसा कि माँ वैष्णो मंदिर को जाने वाला रास्ता। इसके बाद मंदिर के देखरेख के लिए बरंडा गांव के निवासियों ने एक कमेटी बनाई जो मंदिर की देखरेख करने लगी। आज भी स्थानीय लोगों की कमेटी ही मंदिर की देखभाल करती है। इस मंदिर के दोनों ओर बेहद सुंदर और आकर्षक फूलों से क्यारियां भरी पड़ी हैं, जिनकी महक से मंदिर का प्रांगण चहक उठता है। धन्य है हिमाचल की देवभूमि जहां अनेकों स्थानों पर देवी देवता साक्षात निवास करते हैं। उनके साक्षात चमत्कार और प्रकृति की अनुपम लीलाएं विश्व भर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाती हैं, चाहे ज्वालामुखी माँ की साक्षात ज्वालाएं हों या माता चिंतपूर्णी का आकर्षण, ब्रजेश्वरी माता, नैना देवी, मणिकरण, शिकारी देवी, हत्या देवी, पराशर झील, बिजली महादेव, मणि महेश और गर्म पानी के चश्मे आदि अनेकों स्थान श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण और रहस्य का केंद्र बने हुए हैं।